लंगड़ सिंह कॉलेज में वोकेशनल पाठ्यक्रमों में नव नामांकित छात्रों के लिए प्रेरणा सत्र का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि भारत सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री सह स्थानीय सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी रहे तथा अध्यक्षता बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने की। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन तथा प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश राय द्वारा अतिथियों के औपचारिक स्वागत से किया गया। साथ ही पुस्तकालय जगत के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथ की जयंती के उपलक्ष्य में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुस्तकालय जगत में उनके योगदान को नमन किया। मुख्य अतिथि मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने छात्रों को संबोधित करते हुए वर्तमान समय की मुख्य समस्याओं जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ते प्रदूषण, घटते संसाधनों के कारण जल, ऊर्जा, स्वच्छता जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए नए रास्ते खोजने की दिशा में प्रयास करने की अपील की। वहीं प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश राय ने अपने संबोधन में कहा कि छात्रों से अपनी पढ़ाई लिखाई, आचरण तथा समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर कॉलेज का ब्रांड एम्बेसडर बनने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन अर्थशास्त्र विभाग अध्यक्ष डॉक्टर साजिदा अंजुम ने तथा धन्यवाद ज्ञापन अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर संजीव मिश्रा ने किया। मौके पर प्रोफेसर राजीव झा, प्रोफेसर फैयाज अहमद, प्रोफेसर शैलेंद्र सिन्हा आदि मौजूद रहे। वहीं विकास शंकर दुबे ने बिहार राज्य उच्च शिक्षा संबंधी कठिनाइयों को बिहार राज्य मंत्री जल मंत्रालय एवं सांसद मुजफ्फरपुर को पत्र देकर अवगत कराया और राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से जल्द से जल्द शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। लगता है जब अभी जितने नया बच्चा जो एडमिशन लिया है उन लोगों के लिए हमारे प्रिंसिपल साहब ने काफ़ी और विकास के लिए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये कार्यक्रम रखा था। ये काफ़ी उत्साहवर्धक कार्यक्रम है। कलकत्ता में महिला डॉक्टर की हत्या हुई है, इस बारे में काफ़ी विवाद हो रहा है, क्या कहें? काफ़ी दुखद है और हम सब काफ़ी इस बात को लेकर के बहुत प्रयास कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। ये जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। आज जो कलकत्ता की स्थिति है दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो काफ़ी शोचनीय है, इसलिए हम सबों को मिलकर के काम करना होगा। देखिए जो भी हुआ है बहुत दुखद है, मैंने पहले ही बताया कि दुखद है। ऐसे माहौल में लोगों को काम करना मुश्किल हो जाएगा, खास करके जो डॉक्टर 36 आवर लगातार काम करने वाले होते हैं। कितना स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है जब कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है एक डॉक्टर के पास, तो लोगों को लगता है कि डॉक्टर सिर्फ देख लिए, तो ऐसा नहीं होता। डॉक्टर भी इंसान होता है और बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरता है और लगातार जो काम का अवधि ज़्यादा है तो इतना लंबा देर का काम करना पड़ता है और उस कंडीशन में अगर सुरक्षा न मिले तो निश्चित रूप से, और सुरक्षा जो है ये स्टेट का मैटर है, राज्य सरकार को तो सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए था, जो कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी ख़राब है। हम लोग लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि बंगाल की स्थिति बहुत भयावह होते जा रही है। तो अभी बांग्लादेश का जो हालात है वहाँ से भी बंगाल के सीमा के से ही यहाँ प्रवेश में कुछ बात निकल कर सामने प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। जब देश जब टूटता है तो देश कमज़ोर जब होता है तो निश्चित रूप से ये हालात होती है। ये सबसे हम लोग सीख लेने की आवश्यकता है। लोकतंत्र हमारा मजबूत हो इसको बना के रखना है। हम लोग लक्की हैं, हम लोग मतलब सौभाग्यशाली हैं इस मामले में कि हमारा देश मजबूत है और लोकतंत्र की जड़ें यहाँ मजबूत है। एक आखिरी सवाल, पहली बारिश काफ़ी देर के बारिश में शहर में जल जमाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे, क्या प्रयास करेंगे जल जमाव से निजात दिलाने के लिए? देखिए आने वाले दिनों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं एसटीपी के माध्यम से जो जितने यहाँ से नाला निकलता है उसको एसटीपी से जोड़ करके यहाँ की जल जमाव की जो समस्याएँ हैं प्रॉपर ड्रेनेज व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको ये दिखेगा कि मुजफ्फरपुर में जल जमाव की समस्या नहीं है। इसको लेकर के क्या कहेंगे, क्या प्रयास करेंगे जल जमाव से निजात दिलाने के लिए मुजफ्फरपुर? देखिए आने वाले दिनों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं एसटीपी के माध्यम से जो जितने यहाँ से नाला निकलता है उसको एसटीपी से जोड़ करके यहाँ की जल जमाव की जो समस्याएं हैं प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको ये दिखेगा कि मुजफ्फरपुर में जल जमाव की समस्या नहीं है। अच्छा लगता है जब अभी जितने नया बच्चा जो एडमिशन लिया है
उन लोग के लिए हमारे प्रिंसिपल साहब ने जो डायनेमिक है काफ़ी, और विकास के लिए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये कार्यक्रम रखा था। ये काफ़ी उत्साहवर्धक कार्यक्रम है। कलकत्ता में महिला डॉक्टर की हत्या हुई है सर, इस बारे में काफ़ी बात हो रहा है, क्या कहें? काफ़ी दुखद है और हम सब काफ़ी इस बात को लेकर के बहुत प्रयास कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले, और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। ये जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। आज जो कलकत्ता की स्थिति है दुर्भाग्यपूर्ण है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो काफ़ी शोचनीय है, इसलिए हम सबों को मिलकर के काम करना होगा। सारे डॉक्टर हड़ताल पर मुजफ्फरपुर में, देश के अन्य राज्यों के हड़ताल भी चले गए, आप लोग देखा जा रहा है, आप देखिए जो भी हुआ है बहुत दुखद है। हमने तो पहले ही बताया कि दुखद है, ऐसे माहौल में लोगों को काम करना मुश्किल हो जाएगा, और ख़ास करके जो डॉक्टर 36 आवर लगातार काम करने वाले होते हैं, कितना स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है जब कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है एक डॉक्टर के पास, तो लोगों को लगता है कि डॉक्टर सिर्फ देख लिए, तो ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर भी इंसान होता है और बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरता है, और लगातार जो काम का अवधि ज़्यादा है, इतने इतना लंबा देर तक काम करना पड़ता है, और उस कंडीशन में अगर सुरक्षा ना मिले तो निश्चित रूप से, और सुरक्षा जो है ये स्टेट का मैटर है, राज्य सरकार को सुरक्षा में मुहैया कराना चाहिए था, जो कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी ख़राब है। हम लोग लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि बंगाल की स्थिति बहुत भयावह होते जा रही है। तो सही, यहाँ प्रवेश में कुछ बात निकल कर सामने के प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। जब देश टूटता है तो देश कमज़ोर जब होता है तो निश्चित रूप से ये हालात होती है। ये सबसे हम लोग सीख लेने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र हमारा मजबूत हो, इसको बना के रखना है। हम लोग लक्की हैं, हम लोग मतलब सौभाग्यशाली हैं इस मामले में कि हमारा देश मजबूत है और लोकतंत्र की जड़ें यहाँ मजबूत है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और रंगनाथन साहब की जयंती के अवसर पर सारे वोकेशनल विषय के बच्चे के हौसला अफजाई के लिए हम लोगों के माननीय मंत्री भारत सरकार पधारे, राजभूषण चौधरी निषाद साहब, और बच्चे लोगों को एक डॉक्टर के रूप में कैसे स्वस्थ रहा जाए, कैसे शिक्षा ये प्राप्त किए, अपनी जीवन का गाथा बताए, और बच्चे लोग इंस्पायर और मोटिवेट हुए और संकल्प लिए इनके सामने जो हम लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के साथ साथ समाज को भी नई दिशा देंगे। लंगर सिंह कॉलेज और बिहार विश्वविद्यालय की जो पुरानी ग्लोरी है उसको स्थापित करने के लिए, और हम सब मिलके बिहार को विकसित बिहार और भारत को विकसित देश बनाएंगे, और देश में जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। अभी सीमा पर जो दूसरे देश में बांग्लादेश की स्थिति है, इसलिए हम लोग मानवीय संवेदना और संस्कार के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, एक बनेंगे, नेक बनेंगे कि छवि वाला हिंदुस्तान बनाएंगे। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार, नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO।